गर्मियों का मौसम आ गया है फ्रेंड्स, और गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा आ जाए। घर पर ही और मार्केट से भी कम बजट में आप ये आइसक्रीम तैयार कर सकते हो, और ना ही इसमें आपको कंडेंस मिल्क डालना है, ना ही कॉर्नफ्लोर और ना ही विप क्रीम। बहुत ही इजी तरीके से आज हम सुपर टेस्टी एकदम सॉफ्ट ये आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे, और थोड़े से ही दूध में आप ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। देख सकते हो कितनी सॉफ्ट हमारी ये आइसक्रीम बनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर दूध। फुल क्रीम दूध है और नॉर्मली दूध है जो घर पर आता है वही, लेकिन ये आपको मलाई सहित ही लेना है। इसमें मैंने जो इसमें दूध में मलाई पड़ी थी ना, ये मैंने गर्म कर लिया था दूध पहले, तो मलाई भी मैंने इसी में डाल दी है। अब हम इसको गर्म होने देंगे और इसमें से मैं थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी। जब हल्का सा गुनगुना हो जाएगा ना, तब हमें इसमें से 1/2 कप के आसपास दूध निकाल लेना है। आगे बताऊँगी हमने ये दूध क्यों निकाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ 1/2 लीटर दूध था, तो यहाँ मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर बेड से नापोगे तो लगभग 150 ग्राम चीनी होगी। अब हमने जो दूध निकाला था उसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और 2 टेबल स्पून ही डालेंगे हम इसमें कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो मैं आगे बताऊंगी आप इसमें क्या डाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, और अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने गुनगुना दूध क्यों लिया, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि अगर आप एकदम ठंडा दूध लेते तो उसमें लम्स ज़्यादा पड़ जाते हैं, और अगर हल्का सा गुनगुना लोगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा। ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है, गर्म में भी लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए दूध है, ये अच्छे से बॉयल हो गया है, और अब हम इसकी फ्लेम है वो स्लो कर देंगे, और जो हमने कस्टर्ड वाला दूध बनाया था ना, उसको धीरे धीरे करके हम डालते जाएंगे और चलाते रहेंगे। चलाना बंद नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने चलाना बंद कर दिया तो फिर ये जो कस्टर्ड है ना, ये नीचे लग जाएगा, तो इसलिए आपको चलाना बंद नहीं करना है। अब हम इसकी फ्लेम है वो हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हमें इसको थिक होने तक पकाना है। तो मैं इसको लेकिन चलाना बंद नहीं करना है फ्रेंड्स, चलाते हुए पकाना है, क्योंकि नीचे कढ़ाई में बहुत जल्दी लगता है ये। तो अभी देखिए ये हल्का सा थिक हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको और थिक करूँगी, तो ये 3 से 4 मिनट में थिक हो जाता है। तो ये देखिए ये धीरे धीरे पक के थिक हो चुका है। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देख रहे हो आप, लाइन ड्रॉ हो रही है, ईजीली दिख रही है। तो बस अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ, और अब हमें इसको ठंडा होने देना है। तो जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हमें एक बर्तन में भर के इसको फ्रीजर में रख देना है। फ्रीजर में कब तक रखना है, जब तक कि वो जम ना जाए, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए आपको फ्रीजर में रख देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रीजर में रख दिया था और ये जम चुका है। तो अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया और इसमें मैं इसको निकाल लूँगी। अगर फ्रेंड्स आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है ना, तो उसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो, लेकिन कस्टर्ड पाउडर हमने 2 टेबल स्पून लिया, आपको 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। अब देखिए हमने ये ली है घर की फ्रेश मलाई, तो ये आपको दिख रही होगी एकदम अमूल जैसी लग रही है ना, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये लगभग 1 कप के आसपास होगी। अब हम इसमें ये डाल के, और अब हम इसमें डाल देंगे, वैसे तो इसमें एसेंस पहले से ही है, क्योंकि कस्टर्ड में एसेंस डला हुआ होता है, लेकिन मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूंगी 2 से 3 ड्रॉप। और अब हमें इसको बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर सकते हो, नहीं तो जो हैंड बीटर होता है ना उससे भी कर सकते हो। अगर उसी से भी ना करो तो जो मिक्सी है ना उसमें आपको डाल के और इसको चला देना है, रुक रुक के चलाना, तो उससे भी आपकी एकदम इसी तरह से फ्लफी और एकदम सॉफ्ट वाली आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और फ्रेंड्स जो हमने मलाई निकाली है ना, वो ऐसे ही दूध के ऊपर निकाल के यूज नहीं की है, उसका एक अलग मेथड है, अलग तरीका है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लेना
कि आपको जो ये मलाई है ये बिल्कुल अमूल जैसी मलाई घर पर ही कैसे बना सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हो एकदम फ्लफी सा लग रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको स्पून से और दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, दिख रहा है ना एकदम फ्लफी जैसा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे एक बर्तन और इसमें हम इसको डाल देंगे। मैं इसको और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहती हूँ, तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको फिर से इस बर्तन में डालकर और फिर से इसको जमने दूँगी, 3 से 4 घंटे के लिए जमने के लिए रख दूँगी। अगर आपको कम सॉफ्ट चाहिए तो आप इसी स्टेज पर इसको आइसक्रीम की तरह जमा कर रख दीजिए, फिर बाद में इसके पीसेज कट करके खा सकते हो। लेकिन मुझे अभी ये और सॉफ्ट बनानी है तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये देखिए, 4 से 5 घंटे हो गए थे फ्रीज़र में और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये हमारी जो आइसक्रीम है ना, फिर से ये जम चुकी है, देख सकते हो। लेकिन मैं इसको अभी एक बार और बीट करूँगी। तो ये देखिए, मैं फिर से इसको बर्तन में निकाल लूँगी और फिर से हमें इसको बीट करना है। इससे आपकी आइसक्रीम है ना फ्रेंड्स, एकदम मार्केट जैसी बनेगी, जो सॉफ्ट वाली आइसक्रीम बनती है ना वही बनेगी। इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा घर के ही सामान से, और आप यह बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए, मैं इसको फिर से 4 से 5 मिनट के लिए वेट कर लूँगी। आप देख सकते हो एकदम ऐसी दिख रही है, क्रीमी क्रीमी। तो ये देखिए, मैंने इसको वेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे चाहिए आप उस बर्तन में इसको डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ जो बच्चों का लंच बॉक्स होता है ना, उसमें इसको मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें हम इसको डाल देंगे और एक बार मैं इसको थोड़ा सा हिला दूंगी जिससे कि ये इसमें बबल्स ना आए और ये सही से सेट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है। और अब आपको क्या करना है, कोई भी जो पॉलीथीन कवर होते हैं ना, साड़ी वगैरह के भी आते हैं या फिर सब्जी के भी आते हैं, वो भी ले सकते हो। इस तरह से हमें इसके ऊपर लगा देना है और फिर हमें इसका ढक्कन लगा देना है। इससे क्या होगा, इसमें क्रिस्टल नहीं आएंगे और आपकी आइसक्रीम है वो एकदम बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए, ये हमारी आइसक्रीम है, ये जम चुकी है और हमारी आइसक्रीम बन चुकी है, देख सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया हमारी ये आइसक्रीम बनी है। आपको इसमें दिख रहे होंगे जगह जगह डॉट डॉट से, तो इसी से पता चलता है कि ये कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकालना कैसे है, पहले आपको थोड़ा सा इसका तला है ना वो पानी में डिप करना है, तो ईजीली निकल आएगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने बादाम और पिस्ता लगाए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट कट रही है, आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। जूम करके भी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए एकदम मुँह में घुल जाने वाली। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी गर्मियों में बनाइएगा, सच में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनेगी। और मैं आपको थोड़ा सा कट करके और दिखा देती हूँ स्पून से, ये देखिए, वाओ बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी बनाइएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह रेसिपी कैसी बनी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई ज़रूर दूंगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।